प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इस बैठक को वर्चुअली संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक गुरुवार को राष्ट्रीय महासचिव की बैठक के साथ शुरू हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक से पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुशवाहा भाव ठाकरे और सुंदर सिंह भंडारी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सूत्रों ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में नड्डा ने पार्टी महासचिवों से राज्यों की विस्तृत रिपोर्ट ली और पार्टी के कार्यक्रमों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जी, आपको बता दें कि भाजपा की बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों, राज्य पार्टी प्रमुखों और संगठनात्मक सचिवों सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। संगठनात्मक मुद्दों पर ध्यान देने के अलावा इस साल और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में अगले साल चुनाव होंगे। सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के जश्न और बूथ स्तर पर पार्टी संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा होने की संभावना है। जेपी नड्डा ने राजस्थान में मिशन 2023 की शुरुआत की। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बृहस्पतिवार को राजस्थान में मिशन 2023 की शुरुआत की। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 3 दिवसीय बैठक बृहस्पतिवार को जयपुर में शुरू हुई। पहले दिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महामंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में शामिल होने के लिए नड्डा बृहस्पतिवार शाम को जयपुर पहुंचे। नड्डा ने यहाँ हवाई अड्डे से लेकर बैठक स्थल होटल लीला तक करीब 30 किलोमीटर रोड शो किया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।